आटा के कि नहीं आ गया? मिठाई किस चीज में हुआ जी? आइए आइए, अब डबल मिठाई लाना चाहिए आपको। डबल लाए हो? अच्छा डबल लाए हो, खुश रहे खुश रहे खुश रहे। देखिए कौन सा बोर्ड था आपका? देखिए ये दो मिठाई किस लिए लाए हैं समझिए। एक बैंगलोर बोर्ड में एनटीपीसी में इनका सिलेक्शन हो गया, स्टेशन मास्टर हो गए, एक मिठाई उसके लिए। दूसरी मिठाई पूरे बैंगलोर बोर्ड में नंबर वन रैंक, पूरे बोर्ड में नंबर वन। अब स्टेशन मास्टर, अब रुकना नहीं आप लोग के लिए, यूपीएससी आ गया है ना, आराम से उसमें चल जाना है, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग जब एक्सपीरियंस वाले जाएंगे ना तो बहुत सारी चीजों को ज्यादा सही करेंगे, सुधार सकते हैं यहाँ पर। और हम लोग का जो विलेज एरिया होता है ना, इसमें लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी नहीं रहती कि 3 साल 4 साल लड़का को एक्स्ट्रा वेट करने के लिए भेजे। अब तो टेंशन खत्म आपका? अच्छा पहले ग्रुप डी में थे और उसके स्टेशन मास्टर में, अब यूपीएससी में चल जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा बहुत लोग ऐसे मजाक बनाते रहते थे, ऐसे मजाक वालों लोग के लिए आप लोग उनके मुंह पे तमाचा है, ठीक है। आपको आशीर्वाद, बढ़िया। और देखिए मेहनत करने वाले, ड्यूटी करने के बाद अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ये रियली बहुत मेहनत का काम होता है, ठीक है। आपको मिठाई खिलाते हैं, पूरे इंडिया टॉप कर, पूरा बोर्ड है टॉप कर दिया सब, बताओ। फोटो ले लो भाई। भाई लाना है मिठाई खिलाने के लिए, इन लोग को बोलते ना बड़का तोड़ के ले आता है, तो कितना बड़ा ले? हाँ थोड़ा सा पासा इधर। आप लोगों से भी कहते हैं आप लोग भी यहां आइए, ऐसे ही डबल मिठाई लेके आइए, समझ में आ गया कि नहीं? डबल। अब मेहनत करते रहिएगा, आप लोग को यूपीएससी से नीचे सोचना भी नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं? सरकारी गाड़ी से बाबूजी को घुमाना एक बार, समझ में गया? आप कहीं बुढ़ापा में पिताजी को इलाज करा लीजिएगा, अगर उनके शरीर में 10 गो बीमारी है ना तो सरकारी उसको घुमा दीजिएगा ना तो 200 भाग जाएगा वहां, ठीक है। माँ बाप भी आपके देख रहे होंगे तो गौरवान्वित महसूस करते हैं, ठीक है। मम्मी पापा भी मेरा क्लास देखते हैं। अरे मम्मी पापा हमको भी नहीं जान जाता, वो लोग क्यों क्लास देखते हैं? वो आपसे पूछते हैं कि जिस कल को का फॉर्मूला क्या है पापा मेरे। बता दो लोगों। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का भी सिलेक्शन हो, जल्द से जल्द आप भी यहाँ आए, ठीक है। देखिए मेहनत तो सब करते हैं लेकिन आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिए, क्योंकि एक टीचर अच्छी एजुकेशन और अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं, बाकी मेहनत तो आपको करनी है। और खैर यहाँ के बच्चे रिजल्ट नहीं रैंक लाते हैं, ठीक है। और हमारे पापा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं छोटे मोटे, वो हमें फोन करके पूछने लगते हैं धन सूत्र का क्या फॉर्मूला है। और वो सर की वीडियो जैसे इंटरनेशनल रिलेशन बनाते हैं या फिर ऐसे ही बनाते हैं वीडियो जो सब कोई देखते हैं, वो वीडियो नहीं मिलता, वो क्लास वाले भी वीडियो देखते हैं सब लाइन से, कहते बहुत मजा आता है, वो कहे थे जाके बात बोलना सर से। अरे यहाँ देखिए वो हम आपको क्या बोले ना, डर और रेस्पेक्ट में थोड़ा सा अंतर होता है, यहाँ पे हाथ कांपता है तो इसका मतलब थोड़ी गया, एक रेस्पेक्ट वाली फीलिंग रहती है। कोई बात नहीं, एक दिन जिला आपके हाथों में रहेगा, ठीक है। चलिए एकदम, अब आप लोग ना बताए ना इस ओवरसीज वाले में आ जाते हैं आप लोग को बहुत सारा अधिकार मिल जाता है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओसीआई ठीक है, चलो खुश रहिए। कोई फ्यूचर में दिक्कत होगा आप बता दीजिएगा, इन लोग उसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होने देंगे।